तो हे गाइस, अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो किला है। आप देख रहे हैं ना, यहीं से किला दिखना चालू हो गया है। तो गाइस, ये है यहाँ का रेल। अभी जो आपको देखे हैं वो है राजस्थान पुलिस, क्योंकि चित्तौड़गढ़ है ना राजस्थान पर। और राजस्थान एक, जितने राजस्थान में किले हैं ना, उतने ना ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। मलाई बर्फी और उनके घेवर 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 दे दो। 100 ग्राम दे दो भैया, 100 ग्राम। और यहाँ पे मतलब चित्तौड़गढ़ में कुछ फेमस प्याज की कचौरी है, कुमल है, प्याज की कचौरी है, एक प्याज की कचौरी। बारिश के लिए भाई किसी व्यवस्था इंतजाम करना पड़ता है, वाटर प्रूफ है फिर भी। और वो अपनी गाड़ी रखी है, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं फिर आगे चलते हैं और यहाँ का किला दिखाते हैं आपको। तो गाइज, ये है प्याज की कचौड़ी चित्तौड़गढ़। तो टेस्ट करते हैं। भाई खाने के बाद मैं अभी जो बोलूंगा ना, उससे आपको रिव्यू मिल जाएगा। और आपको तो वही एक प्लेट तो खत्म हो गई है भैया, एक और लगा दो। तो ये ऊपरी प्लेट आती है और ये यहाँ का घेवर। राजस्थान में भाई घेवर बहुत चलता है, अलग अलग टाइप के, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, हर जगह भी जाएंगे ना तो घेवर तो मिलेगा मिलेगा। और सभी घेवर का टेस्ट थोड़ा अलग अलग रहेगा। इधर की जो प्याज की कचौड़ी है ना, मजा आ गया। सेकेंड प्लेट है भाई प्याज की कचौड़ी। फिनिश कर दिए, फटाफट के लिए भी निकलता है। ये मलाई घेवर, तो गाइस विनायक होटल कचौड़ी में मजा आ गया यार। दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ का जो ये किला है ना, इसे दुर्ग नाम से जाना जाता है। और क्या इसकी हिस्ट्री है आगे चल के हम जानते हैं। चित्तौड़ तीर्थ है ये। गोवर्धन पांडल पोल, ये पहला पोल है। ये बंदर, किला भी बोलते हैं, किले भी बोलते हैं, फोर्ट भी बोलते हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर और हनुमान पोल, आई थिंक ये तीसरा पोल है। बाकी आप कभी भी ढलान पे अगर चढ़ाई करना है ना, तो उधर से मत करिए, थोड़ा यू टर्न ले लीजिए, लंबा पाला
शॉर्ट वाला नहीं, शॉर्ट वाले में दो दो रिक्स हो जाती है, एक तो ऊपर से कोई आ रहा होगा वो रिक्स, और दूसरा अगर आपकी गाड़ी का टॉर्क अच्छा नहीं है ना तो गाड़ी बंद भी हो सकती है। इसलिए यह चोरला पुल, मतलब ये आई थिंक चौथा वाला, चौथा, हाँ ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा पास से ही लेना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं ना उस साइड से गाड़ी आ रही है। लक्ष्मण पुल, पांचवा ये छठवा पुल है, ये शीतल पे पानी की व्यवस्था, नजारे तो यहीं से स्टार्ट हो गए हैं। राम पोल, और आई थिंक ये लास्ट पोल है, अगर आगे पोल रहेंगे तो आपको दिखाएंगे। हाँ भाई, क्या नाम भाई? मेरा अरुज नाम है सर। अच्छा अच्छा जी। तो नॉर्मल चार्ज क्या है अपना? ऐसे दो तरह से फोर्ट विजिट करते हैं आप। हाँ, एक तो पूरा विजिट करते हैं तो उसका 650 चार्ज है। हाँ, और मेन में विजिट करते हैं उसका 450 चार्ज है। ओके ठीक है। देखिए इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, 15 मॉन्यूमेंट्स हैं। हाँ थोड़ा सा आगे लीजिए। हाँ तो ये भाई का कार्ड है, और जिसमें से 113 तो मंदिर है, 84 पानी का तालाब है सर। अच्छा, एशिया का सबसे लिविंग फोर्ट है, जयपुर उदयपुर लग्जरी फोर्ट नहीं है, पूरा डिस्ट्रॉयड पार्ट है। यहाँ पर सुनने के लिए इतिहास और देखने के लिए पूरा खंडहर है। ओके जी, ये मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर में खून सस्ता और पानी महंगा सर। अगर हिस्ट्री सुनोगे, तारीफ करके जाओगे, इतना गारंटी अपना। चलो तो फिर हिस्ट्री सुनते हैं जी, है ना, आगे चलते हैं। आपको दो टिकट लेना है। हाँ हाँ, 140 रुपए का मेमल टिकट है। ओके ठीक है। फिर घर, फटाफट टिकट लेते हैं। भैया टिकट, एक 40। हाँ तो ये कुछ इस टाइप का टिकट है। ये किधर किधर चलेगा? ये पूरे फोर्ट के ऊपर, पूरे फोर्ट पे। जीरो फाइव ही वाई कर। तो भाई टिकट तो ले लिया है, आप टिकट लेके अगर आप बिल्कुल घूमने आते हैं ना तो 13 किलोमीटर का है, पैदल तो आप घूम ही नहीं सकते, इस साइड से ऑटो भी ले सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये रहा घूमने का। हाँ इसको बोलते हैं कुंभा पैलेस। हाँ हाँ, सूरज पुल के एक ही फल सीता ही फल से पहनावा। दोस्तों बारिश में ब्लॉग बन रहा है, लाइक जरूर करिएगा। भैया क्या नाम? मेरा अनुज नाम। अनुज जी, तो आज के गाइड हमारे जो हैं अनुज भाई है चित्तौड़गढ़ से। चलो क्या पूरा से यहाँ पे, तो भैया बताएंगे। तो यहाँ पे टिकट चेक होता है भैया, वो गार्ड भैया ने बता दिया कि है, तो हो गया, अदरवाइज चेक आपका जरूर होगा। जैसे कि सर
आप चित्तौड़गढ़ जो किला जो घूमने के लिए आते हैं इसको शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की भूमि बोली जाती है सर। जैसे कि शक्ति के अंदर आते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप और भक्ति के अंदर आती है मीराबाई जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति की बहुत ही बड़ी भक्त थी। हाँ। और बलिदान के अंदर आती माँ पन्ना जो अपने बेटे का बजाने से चंदन का वो उसी फुट के ऊपर मार। जैसे कि अभी आपने सेवन गेट जो नीचे जो क्रॉस किए वो इस किले का बैक साइड है। इसका फ्रंट गेट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बना हुआ है जिसका नाम है सर सूरजपुर गेट जो किले का मेन एंट्रेंस गेट है। जैसे कि जब 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है रानी पद्मिनी को पाने के लिए तो उस टाइम पे ये वाला गेट जो आप जो क्रॉस करके आए ये सेवन गेट ये वाले 14th सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभ के टाइम पे बनाया गया। अच्छा, जब अलाउद्दीन एक एक करके जो गेट थे वो 7 गेट है, सेवन गेट है, सेवन गेट उधर ही बनाया गया और सेवन गेट उधर ही बनाया गया जिसका नाम है सूरजपुर गेट। सेवन गेट उधर ही बनाया गया जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 के अंदर में रानी पद्मिनी के ऊपर अटैक करता है तो उस टाइम पे सेवन गेट को उनको डैमेज कर दिया गया सर। डैमेज करने के बाद जैसे कि डैमेज करने का मतलब ये होता था कि पहले क्या है कि एलिफेंट को वाइन पिलाने के बाद में गेट को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, तो वाइन पिलाने के बाद में एलिफेंट क्या ऐसे पागल होता सर, तो पागल होने के बाद में 6 गेट तो उसी में तोड़ दिए गए क्योंकि 6 गेट जो बनाए गए वो पूरे स्टेट के अंदर बनाए गए सर। और एक गेट को थोड़ा सा सीधा बनाया गया, अगर एलिफेंट अगर रनिंग करेगा तो घूमने के थोड़ा कम करना पड़ेगा सर, जितना स्पीड कम होगा उतना गेट के ऊपर में कम लगेगा सर, इसीलिए गेट को नहीं तोड़ पाता है। हाँ। तो गुस्से में आने के बाद में लास्ट में लास्ट टाइम पे 1303 के अंदर में जो अटैक करता है बड़ा वाला अटैक तो उस टाइम पे उस मेन गेट को तोड़ के दिल्ली लेके चला गया था। अच्छा, दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी जैसे कि लेके चले जाते हैं जो अष्टराजू का गेट हुआ करता था पहले। हाँ। अष्टराजू का मतलब जैसे कि सोना चांदी अरहर लोहा लकड़ी से मिक्स हुआ करता है। अगर आप पूरे फोर्ट को विजिट करते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन लगता है। जी, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है सर, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। 113 तो टेंपल है और 84 वाटर टैंक्स बना हुआ है सर। ओके, एशिया का सबसे बड़ा, वाह यार। आप जो जयपुर का उदयपुर का लग्जरी फोर्ट से विजिट कर रहे हो ना, वैसा लग्जरी फोर्ट नहीं है। यहाँ पर सुनने के लिए इतिहास है और देखने के लिए पूरा खंडर है। जैसे रास्ता थोड़ा खराब है क्योंकि मिट्टी अलावा पानी खराब है। सामने वाला टावर देखेंगे सर आप, इसका नाम है विजय स्तंभ टावर। इसका निर्माण महाराणा कुंभ ने करा था 14th सेंचुरी के अंदर में, जब महाराणा कुंभ ने गुजरात एवं मालवा दोनों स्टेट के ऊपर में एक साथ में जीत हासिल किया था तो उसी विजय की याद में ये विजय स्तंभ टावर बनाया गया। जैसे कि इसकी नींव रहेगी तो 1448 के अंदर में और 1458 के अंदर में ये बनके पूरा कम्प्लीट है, यानी कि बनने का समय जो लगता है वो पूरे 10 ईयर्स का लगता है। और उस जमाने में इसको बनाने का खर्चा जो होता है वो 90 लाख रुपए का खर्चा था। 90 लाख जी, अभी के टाइम पे ऐसा को बनाना चाहता है तो 90 के पीछे से कितने में जरूर लगा दो ऐसा कोई बना सकता। अगर इसको आप नीचे से ऊपर की ओर ध्यान से देखेंगे तो शिव का जो डमरू होता है उसके सिर पे बना हुआ, नीचे से चौड़ा है, बीच में सकड़ा है, फिर ऊपर से चौड़ा है। डमरू का आकार को इसलिए बनाया गया था जो महाराणा कुंभ थे उस शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसीलिए इसको डमरू का आकार का बनाया गया। जैसे कि 157 इसके स्टेप्स है। कोविड से पहले अंदर जाना अलाउ था पर कोविड के बाद में इसको हमेशा के लिए बंद कर जाएगा। जैसे कि अभी तो क्या है कि केमिकल लोच कर रहे हैं इसलिए इसको बंद किया हुआ है। जैसे कि राजस्थान की जो पुलिस जो होती है उसके लेफ्ट साइड के अंदर में जो लोगो जो लगता है वो इसी के लोगों लगा, क्योंकि राजस्थान का गौरव है और विजय का फोर्टी कहता है इसी का। 9 मंजिला है, 9 फ्लोर के ऊपर बनाया गया। 9 फ्लोर के ऊपर में इसलिए बनाया गया क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर में जो 9 ग्रह जो होते हैं उन्हीं 9 ग्रह को देख करके 9 फ्लोर के ऊपर बनाया गया। ठीक है, नीचे से आएंगे तो एक जोर स्थल देखने मिलेगा जहाँ पर रानी पद्मिनी ने 16,000 दासों के साथ में फर्स्ट जोर 1303 के अंदर में वहां पर जोर की प्रतिमा बनाया। आइए चले अब आगे देखते हैं। और जैसे आपने कहा भी सुना होगा जी, जैसे कि आपने कहा भी सुना होगा काफी राजा बहुत चारू मंगू तेली। हाँ। उन्होंने इसको 11 सेंचुरी के अंदर बनाया गया था पर जब 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता तो पूरे मंदिर को 100 ईयर्स तक पूरा बंद रहा। बंद होने के बाद में इसका पूजा स्थान सभी बंद कर दिया गया। बंद करने का मतलब ये होता था क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर में डिस्टर्ब का पूजा स्थान नहीं करता, इसी कारण से पूरे 100 ईयर्स तक पूरे मंदिर को बंद रहा। मंदिर बंद होने के बाद में महाराणा कुंभ 14th सेंचुरी के अंदर में इस फोर्ट के ऊपर आते थे महाराणा कुंभ के साथ में उनके पिताजी का सर महाराणा मोकल। 1428 के अंदर में इस मंदिर का रिनोवेट कराया सर। रिनोवेट कराने के बाद में इस मंदिर का नाम रखा गया मोकल जी का मंदिर महाराणा मोकल के नाम से। ओके, जैसे कि इसमें 9 फुट के चट्टान के ऊपर में त्रिमूर्ति बनाया गया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को विराजमान है, एक पालने वाला, एक बचाने वाला, एक जन्म देने वाला। ओके, और जो अपन जो सामने वाला जो गेट जो विजिट करेंगे जो एंट्रेंस करेंगे इसको बोलते हैं उत्तरी जौहर गेट। जैसे कि रानी पद्मिनी ने जब 16,000 दास के साथ जब जौहर किया तो जौहर करने के बाद इधर से एंटर होने के मतलब ये होता है
उसी तो उसी जोहर गेट के नाम से सर, महाराणा मोकल ने इस मंदिर को इतना भव्य बनाया था, इस मंदिर को किसी का नजर नहीं लगे तो उसमें ब्लैक कलर का स्टोन भी लगाया गया। जैसे अपने घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको काले टीका लगाते हैं तो वो किसी का नजर नहीं लगे सर, इसी कारण जैसे कि इसका ब्लैक कलर का स्टोन लगाया गया ताकि इस मंदिर को किसी का नजर न लगे, इसी कारण से ब्लैक कलर का स्टोन उसी टाइम से आज भी ऐसा कैसा है सर, जो पिलर्स के बीच में लगा हुआ है पूरे मंदिर परिसर के अंदर में एक ही ब्लैक कलर का स्टोन है ताकि इस मंदिर को किसी का नजर न लगे। बच्चों की लाइन लगी है इससे कि सर सामने वाला वाटर टैंक देखेंगे आप, इसका नाम है सर गौमुकुंड किला। जब 7th सेंचुरी के अंदर हम चित्रांगद मुरे ने किले का निर्माण किया तो उस शायद गाय का मुंह निकला गया, पानी गिरता हुआ पाया गया, इसी के तौर पर नाम है सर गौमुकुंड किला गाय के मुख के नाम। ये भी 40 से 50 की डीप है सर, इससे पूरे फोर्ट के ऊपर में से 84 वाटर टैंक्स बने हुए सर, पूरे फोर्ट के ऊपर 84 बने के तालाब है और 113 मंदिर है। ठीक है, जैसे कि जो गाय के मुंह से जो पानी जो गिरता है, जो पिलर्स देखेंगे आप सामने इधर पिलर्स के ऊपर उधर गिरता है गाय के मुंह से पानी, वो पानी उसी टाइम से जैसे कि 7th सेंचुरी का 21st सेंचुरी चलती है वो पानी उसी टाइम से आज भी ऐसा कैसे गिरा है, वो पानी कैसे आ रहा है किधर से आ रहा है किसको पता नहीं है। जैसे कि अपन आरो का आप किसी का जो पानी जो पीते हैं आप ऐसे इसको भी एक बार तो फेल करता है सर, इतना मीठा पानी आता है जी। जैसे कि एक नीचे शिव का टेम्पल बना हुआ जो पानी के बीच में है छोटा सा, क्योंकि पानी को ये डूब गया है, ठीक है, क्योंकि पानी का ओवरफ्लो हो गया किसी कारण से। और ये देखेंगे सर जो फ्लैग जो लगा हुआ है ये निर्भय नाथ जी का आश्रम है, जो यहाँ के सबसे बड़े संत महात्मा थे जिन्होंने फोर्ट को बसाने के लिए यहाँ पर जीवित समाधि लिया सर। 1200 वर्ष पूर्व इनका समाधि स्थल अंदर बनाया गया, ऐसे सुबह शाम पूजा अर्चना के लिए करने के लिए इनको ओपन करते सर। ठीक है, जैसे कि इनके ऊपर में एक आदि आधारित है, गोमुख भरे झरना झरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों वर्ष तपस्या करे गढ़ पाओ चित्तौड़। जैसे कि कहावत का मतलब ये होता है जैसे गढ़ पाओ चित्तौड़, करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद में, मतलब करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद में इस फोर्ट के ऊपर विराजमान होते हैं। जैसे इस किले के ऊपर आते हैं जो किस्मत वाले लोग आते हैं सर। ठीक है, जैसे कि एक सामने वाला देखेंगे सर हवेली, जिसको बोलते हैं सर जयमल फत्ता का हवेली सर। ठीक है, जैसे कि अकबर के साथ जब अकबर इस किले के ऊपर अटैक करता सर 1567 के अंदर में, तो उस टाइम के यहाँ के जो राजा थे महाराणा उदय सिंह, तो महाराणा उदय सिंह यहाँ से चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके यहाँ से चले जाते सर उदयपुर बसाने के लिए सर। उदयपुर बसाने के लिए चले जाते हैं, तो अकबर सोचता अगर इस किले का अगर राजा नहीं है तो अटैक करने के लिए ऐसा नहीं होगा सर। तो उनके वीर कमांडर सर 3 जिनका नाम था सर जयमल जी राठौड़, कला जी राठौड़ और फतेह जी राठौड़ सर। अकबर के साथ में जयमल जी राठौड़ इतना बहादुर से फाइट करते हैं कि सिरदर्द से अलग होने के बाद भी उनका दल लड़ता रहा सर। तो अकबर ने भी उनके सामने हार मान लिया कि इतने बहादुर से मेरे पास में होते तो मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करता आज। तो उनकी वीरता को इतना प्रसन्न किया अकबर ने, तो आगरा के अंदर में दोनों को स्टेचू उधर बनाया गया सर, जयमल जी राठौड़ और फतेह जी राठौड़ के सर। तो जब ब्रिटिश सरकार बनी थी तो उनको डैमेज कर दिया गया क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर में डिस्ट्रिक्ट का पूजा सराय कर रहे सर। जैसे कि अभी तो क्या कि उसको हवेली को मंदिर के अंदर में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको काली कंकाली का महल बोला था भी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, उनका जो ये जो फेस का जो डिजाइन जो बना हुआ है जो सिर दर से अलग होने के बाद भी, जैसे कि सिर का जो डिजाइन जो बना है जैसे हनुमान फॉल गेट के नीचे जहाँ पे 7 के नीचे तो उधर एक बड़ा मंदिर देखने मिलेगा जहाँ पर जयमल जी राठौड़ और कला जी राठौड़ का दोनों का फेस का डिजाइन उधर देखने मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि अभी आपने 7 के नीचे जो क्रॉस किया है ये पूरा सिटी का ये वाला फोर्ट का सबसे बैक साइड है। पहले राजा के टाइम पर यहाँ पर पूरा खेती हुआ करता था, जैसे कि अनाज का इनका पूरा खेती हुआ करता था पहले जी। अब क्या उधर पूरा पॉपुलेशन बस गया है, इसी कारण से अभी यह कि खेती जो होता है वो पूरे बैटल फील्ड के अंदर में होता है सर। ठीक है, जो आपको बैटल फील्ड आपको लास्ट में दिखाएंगे, एक ही पत्थर के ऊपर में 3 मूर्ति बनाया गया यहाँ जाएंगे जो तो अंदर से वीडियो फोटो अलाउ नहीं है, सेल्फी फोटो लेना मना लिखा हुआ है। इसी रिस्क को जोर से समझाएगा सर, वापस से वापस थोड़ा। जैसे कि इसको जोहर इस्लाम इसे दिया गया क्योंकि 40 से 50 के गहरे खड्डे के अंदर गवर्नमेंट ने खुदाई कराया, तो खुदाई के अंदर में लेडीज के गहने वगैरह हड्डियाँ वगैरह देखने मिली,
इसीलिए इसको जोरेखाम दिया गया सर। जो यहाँ के जो प्रेजेंट में जो राजा है वो है सर लक्षा सिंह है। अच्छा। जो उदयपुर सिटी पैलेस का नेता है। मार्च महीने का दिन फर्स्ट एकादशी आती है उस दिन किले के ऊपर मेला लगाते हैं जिसको बोलते हैं जोहर मेला। सामने एक हवन कुंड देखेंगे आप, उसके अंदर में आहुति देने के लिए आते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति हो सर। ओके, लिखा हुआ है जोहर स्थल। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट पार्ट देखेंगे आप ये सारे मंदिर के डिस्ट्रिक्ट पार्ट है। जब छोटे से बड़ा जो अटैक हुआ ना इस फोर्ट के ऊपर में 27 बार जब अटैक हुआ तो उस टाइम पे सभी मंदिरों को उनको डिस्ट्रिक्ट किया है, उनको डिस्ट्रिक्ट पार्ट मंदिर के तरह। ओके, ये जितने भी आप मंदिर देखेंगे आप ये अधिकतर यहाँ पर 80% मंदिर आपको शिव टेम्पल देखने मिलेंगे। शिव टेम्पल इसलिए देखने मिलते हैं यहाँ पर क्योंकि उसके जो खंडित हो जाती है मूर्ति वो टूट जाते हैं जी। जो मैंने आपको कुंभ पैलेस बताया ना सर आपको जहाँ पर राजा महाराजा का राजग्रहण से टनल कनेक्ट होता है, एक टनल कनेक्ट होता है जो इधर ओपन होता है। वो पानी कैसे आ रहा है? पानी आ रहा है वो जी झरने से जो पानी जो आ रहा है ना वो गाय के मुँह से आता है। वो पानी कैसे आ रहा है, किधर से आ रहा है ये किसी को पता नहीं। जैसे कि 7th century से 21st century चल रही है वो पानी उसे कहाँ से आ रहा है, गिरता है आप जो आ रहे हो तो आप दूसरे जो पानी से गिरते हैं एक बार तो पानी फिर आता है, इतना मीठा पानी आता है। ये वाला छोटा सा टनल है जो कुंभा पैलेस से पूरा कनेक्ट होता है, जो 1 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा। रानी पद्मिनी जब 16 ये से दासू स्वामी जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी तो उस जमाने का ये रानी के टाइम पर ये वाला ये पूरा स्विमिंग पूल है। अच्छा। रानी दासी या सारा ये आना जाना जो करती है टनल से इधर आना जाना। ये गुफा है इधर, ये गुफा अभी तो क्या गवर्नमेंट इसको सभी को बंद किया हुआ है क्योंकि पूरा पूरे सारा इलाका है तो कोई जंगली जानवर ना बैठ जाए इसी कारण सभी को इनको बंद किया। ठीक है। एक रानी पद्मिनी का एक काल्पनिक प्रति अंदर बनाया गया जो ऐसे एक्चुअल में बनाया रानी पद्मिनी किसी ने देखा नहीं है इसलिए उनका काल्पनिक प्रतिमा है जो श्रृंगार करती पाई थी आपको अंदर देखने मिलेगा जो श्रृंगार करती पाई। ठीक है। हाँ जा रहे हैं वो तो कर सर। अरे उनको मार रहे हैं। अरे बच्चों तुम्हें नहीं देख रहा रानी पद्मिनी की फोटो बच्चों को लिया उधर अंदर गाली पदमावती ये फोटो है रानी पद्मावती जी की मूर्ति। तो देखिए शंकर जी की मूर्ति और उस पर फूल चढ़े हुए और ये है वो बावरी। इसे आप इतिहास का स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं और ये जो अब पानी आ रहा है ना गया जो एक ही मुंह से देखा होगा। इतनी सारी मछलियां बड़ी छोटी छोटी घूमने के लिए कौन से स्कूल से रविंद्र विद्यालय। चलो एक तो जोहर स्थल गोमुखकुंड समरसर टेम्पल और एक जैसन टावर चार स्कूल यहाँ पर विजिट होते हैं। 5 मोनूमेंट चलेंगे अपन सूरज पॉल गेट जो किले का मेन एंट्रेंस है। और सबसे ज्यादा मोबाइल ही छीनते हैं ये
तो भाई वापस आ गए हैं और आप देखेंगे पानी बॉटल भी वापस रखी हुई है। चलते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर निकल गए हैं। नो पार्किंग स्थल। भाई गद्दा बहुत बड़ा गद्दा है वो दादी गिरते हुए बची। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे हाथी को नहलाया जाता है, दिख रही होगी जो कि गाइड भैया ने बताया है इस हवेली के बारे में, ये वाली हवेली के बारे में जो कि बताया था। हाँ यही ओके। ये सूरत सूरज ओके। हाँ ओके। मेवाड़ के अंदर में आते हैं चित्तौड़गढ़, हाँ उदयपुर, हाँ राजसमंद, हाँ उपलगढ़, हाँ ये सारा मेवाड़ है। ओके। मेवाड़ में आपको जैसे कि मेवाड़ को मेवाड़ वाले जो पार्टी से याद करने के लिए है, यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेवाड़ के अंदर में आपको पत्थर ज्यादा देखने को लेंगे, और मारवाड़ के अंदर में रेत जैसे कि रेगिस्तान, हाँ में जो मिट्टी जो पाई जाती है वो पूरा मारवाड़। अच्छा जैसे कि जोधपुर और जैसलमेर वगैरह ये सब मारवाड़। मारवाड़ ओके। यहाँ पर इसे देखने मिलता है यहाँ पर बावड़िया इधर, हाँ मेवाड़ के अंदर में आपको, क्योंकि जब महाराणा प्रताप ने लास्ट फाइट मुगलों का हाथों से फोर्ट के ऊपर किया था, ओके महाराणा प्रताप के फोर्ट के ऊपर महाराणा प्रताप लास्ट फाइट हार जाते थे मुगलों के हाथों से, तो महाराणा प्रताप का है कि समय होने के बाद में उनका देहांत हो जाता, देहांत होने के बाद में उनके जो आदिवासी गाड़ियाल वहाँ जो रहते हैं उनकी पांच शर्तें जो है वो आज भी लागू होती है। ओके। जैसे फर्स्ट शर्त जंगल के बीच में रहना, सेकंड किले के ऊपर में कभी चढ़ाई नहीं करना, ओके ठीक है, और कच्चे घर के अंदर रहना जो मिट्टी के जो बनते हैं कच्चे घर उनके अंदर रहते हैं, और फोर्थ अपन तो घर के अंदर में दीपक जलाते हैं भगवान के आके, वो कभी भी घर के अंदर में दीपक नहीं जलाते, ओके ठीक है। फाइव अपन जो घर के अंदर में जो खटिए के ऊपर पलंग वगैरह पर इनके सोते हैं वो कभी पलंग के ऊपर कभी नहीं सोता, हमेशा जमीन के ऊपर ही सोते। अच्छा ओके। एक और शर्त है कि ऐसे बावड़े का मतलब जो होता है ना, मैंने बताया आपको बावड़े यहाँ पे इसको देखने मिलता है यहाँ पर, क्योंकि लाइव शर्त रहता है कि अपन मेवाड़ के अंदर में जो कुएं से पानी खींचते हैं रस्सी के माध्यम से, वो कभी भी मेवाड़ के अंदर रस्सी के माध्यम से आदिवासी गढ़े लहवार जो रहते हैं वो फिर रस्सी के माध्यम से पानी नहीं खींचते सर। ओके जी। हमेशा सीढ़ी नुमा ये बना जाते हैं कुएं वगैरह सभी, इनको बावड़ी बोला जाता है। ओके। किसका? अच्छा मैंने बताया था जैसे आपने सेवन गेट मिशन में क्रॉस किए वो इस किले का बैक साइड है, इसका फ्रंट डोर जो है ये इधर सेवन गेट इधर बनाया गया ठीक है सर। फर्स्ट गेट सूरज कॉल गेट ऐसे सेवन गेट इधर ऐसे बनाया गया, जो सिक्स गेट तो बनाया गया वो पूरे स्टेट के अंदर बनाया गया सर। तो एलिफेंट को वाइन पिलाने के बाद में अलाउड कीजिए नाइट में गेट को तोड़ने का प्रेस कर रहे हैं, तो एलिफेंट को वाइन पिलाने के बाद में एलिफेंट पागल होता सर। तो छह गेट तो ऐसे नहीं तोड़ दिए गए क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर बनाया गया, एक गेट को थोड़ा सा घुमा के बनाया गया। पहले क्या किया
इंजीनियर वगैरह होते नहीं थे, सिर्फ माइंड गेम्स होते थे। गेट को घुमा के इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर एलिफेंट अगर रनिंग करेगा तो घूमने के थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा सर, जितना स्पीड कम होगा उतना गेट के ऊपर में प्रेशर कम लगेगा सर, और जितनी एलिफेंट की हाइट होती थी उसके हिसाब से गेट के ऊपर में किले पे लगाए सर। एक धतुरा जानते सर, धतुरा जो शिव जी के ऊपर चढ़ता है, उनका विष बना करके पॉजिटिव माध्यम से किले को लगा रखते थे, जैसे हाथ से मारा है तो बेहोश किले पे गिर सके। ये वाला एक्चुअल में सेकंड वाला गेट है, फर्स्ट वाला गेट अभी भरतपुर लोहागढ़ के अंदर में स्थापित किया गया। जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का गेट यहाँ से तोड़कर लेकर चला सर दिल्ली। दिल्ली से फिर भरतपुर के राजा सूरजमल जाट का नाम सुना होगा सर, सूरजमल जाट जी दिल्ली पे अटैक करते हैं तो यहाँ का गेट वहाँ पर स्थापित किया है सर, भरतपुर लोहागढ़ का। ठीक है, ये वाला तो गेट 1906 के अंदर है, 1906 के अंदर में जो लास्ट के राजा थे फतेह सिंह जी उनके द्वारा रिनोवेट किया गया, ये सेकंड वाला गेट। ठीक है, सामने वाला बाउंड्री देखिएगा, ये 13 किलोमीटर का पूरा बाउंड्री बोर्ड है जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से स्टार्ट होता है, पूरा इस कॉर्नर पर खत्म होता है। ऊपर सेक्शन देखिएगा, ऊपर तीन वाले उसमें तीर वगैरह भाले वगैरह का मान उसके ऊपर में वी शेप के आकार में देखेंगे, उसमें से गर्म तेल गर्म पानी वो यहाँ से ऊपर से रिलीज हो जाएगा ताकि चिकनाई के कारण ऊपर वगैरह ऊपर ना चल सके। ये जो स्टेप्स वगैरह देखेंगे ये 2002 के अंदर में यहाँ के जो राजा हैं लक्षा सिंह उनके द्वारा लगाया गया, यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ गया था सर, इसी कारण किसान जा पाए, इसी कारण सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, जो मैंने बताया था ये पूरा बैटल फील्ड है सर, जो भी पर्सन नंबर ये पूरा खेती हो रहा है, ये पूरा बैटल फील्ड है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह जी का जो हाइट जो हुआ है वो उससे का फाइट होता है सर। जैसे कि सामने वाला एक पहाड़ी देखेंगे आप, छोटा वाला पहाड़ी सामने वाला पहाड़ी देखेंगे सर आप, छोटा वाला पहाड़ी उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा इस आदमी सो रहा है ना, उसको मुंह पेट और पैर उसको बोलते सर कुंभकर्ण पहाड़ी, उसको उसके पीछे ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी छावनी बनाता है, छावनी बनाने के बाद में पूरा प्लान बना करके फिर अचानक से उधर से अटैक करता सर। अटैक करने के बाद में पूरा सेवन गेट इधर तोड़ देंगे सर, और जो आदिवासी गरेवाल के बारे में जो मैंने बताया था सर, छोटा सा विलेज देखेंगे आप, उसको सूरजपाल गाँव के नाम से जाना है सर, गेट के नाम से सूरजपाल गाँव है। छोटे छोटे जो देखेंगे सर गांव, ये सारे घर जो बनाएंगे आदिवासी घर रहते हैं, और आधे जो बड़े बड़े घर देखेंगे वो आधे रात को समा देखेंगे। ठीक है, ये पूरा युद्ध का मैदान है, पहले पूरा पेन हुआ करता था पर उधर क्या उधर पहले खेती उधर होता था, अब ये उधर पूरा पॉपुलेशन बच गया है इसलिए खेती उधर होने लगी। ठीक है, और सामने एक बिल्डिंग देखेंगे सर, जो अनाथ बच्चे विधा मेला काम करते हैं, जो अपने हाथों के कलाकार से रानी पद्मी का पहनावा बनाते हैं, जो आपको आगे दिखाएंगे। चले भाई, ये था फ्रंट गेट, ये है फ्रंट गेट, और जिस गेट से हम आए हैं ना वो है बैक गेट, और ये देखिए क्या मस्त सामने वाला टावर देखेंगे आप। हाँ, इसका नाम है सर कीर्तिसम टावर। ओके, इसका नाम जैसे कि कीर्ति का मतलब ये होता है, जैसे कि जेएनयू के अंदर में इसको 11th सेंचुरी के अंदर में जीजाजी राठौड़ ने बनवाया, जैसे कि विजय स्तंभ विजय का प्रतीक है, कीर्ति स्तंभ खुशी का प्रतीक है सर। जैसे कि जेएनयू के अंदर में कीर्ति को बोलते सर खुशी, इसीलिए इसका नाम सर कीर्ति स्तंभ। ओके, 7th फ्लोर के ऊपर में है, 75 फीट इसका हाइट है सर। ये टेम्पल देखेंगे, जैन टेम्पल है सर। ओके, इसका जो मेन एंट्रेंस बना हुआ है छोटा सा है, छोटा सा एंट्रेंस है, जैसे कि 2002 से ही बंद किया हुआ सर, क्योंकि फॉरेनर बोला जाता है ये फॉरेनर गिर गया था। हाँ, तो उसी टाइम को हमें इसलिए बंद किया सर, क्योंकि ये अब कभी ओपन नहीं होता। ओके, तो सामने ऊपर तक जा सकते थे पहले। हाँ, पहले ऊपर तक जा सकते, 7th फ्लोर तक। अभी एंट्री बंद है, अभी एंट्री बंद है। बहुत अच्छा बना हुआ है, हो सकता है वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो नक्काशी है ना वो जब पास में आके देखते हैं इसी को देख करके। हाँ, वो विजयसम टावर बनाया। अच्छा, इसको देख करो, ये 11th सेंचुरी का है, वो 14th सेंचुरी का। ओके जी, सामने व्हाइट वाला जो कलर देखेंगे आप। हाँ, जो यहाँ के सबसे लास्ट के राजा थे फतेह सिंह जी, उनके ये व्हाइट वाला पैलेस है, ये घूमो चला जी। हाँ, व्हाइट वाला। हाँ, ये वाला उनका पैलेस है जिसको भी गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, जिसका टिकट है 1 मेंबर का 22 रुपीज का। 22 रुपीज 1 मेंबर का टिकट है इसका। ओके, अंदर मतलब क्या क्या है, जैसे एक अपना छतरपुर के पास में धुवेला करके संग्रहालय म्यूजियम, बहुत मतलब बढ़िया म्यूजियम है। वैसे एक्चुअल में यहाँ पर आर्टिफिशियल हथियार ही है। हाँ हाँ। जो ओरिजिनल जो हथियार जो है वो उदयपुर सिटी पैलेस में है सर। हाँ हाँ। ठीक है, उस टाइम के। हाँ, उस टाइम। ओके, तो दोस्तों ड्रोन यहाँ पे उड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि
यहाँ भी थोड़ा मतलब बंद कर रखा है, इसके लिए अलग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है। तो गाइस गाइड का पेमेंट जमा करने के बाद और अब हम बाहर निकल गए हैं। गाइड का जो अनुभव है ना काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी डिटेल में, मतलब ये है ना इतनी डिटेल आपको नेट पर भी नहीं मिलती है, काफ़ी डिटेल में बताते हैं। क्योंकि इनके पास जो हिस्ट्री रहती है ना वो लोकल की ही रहती है, इनके दादा परदादा और इस टाइप से बताते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसफर होती रहती है। आपको दिखाते हैं तीर। तो यहाँ पर भी आप घूम कर जा सकते हैं। तो ये अपना चैनल है, बस 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 सब है ना, आप निकलना है बाइकर है। हाँ 05 बाइक भी डालोगे तो भी आ जाएगा। बस 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 सब नहीं 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 बस 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 भैया काफ़ी लेट हो जाएंगे है ना। बस बस कुछ नहीं यार भाई, धन्यवाद भाई है ना, चले है ना इधर से। ओके दो ढाई घंटे पहुँचोगे आराम से। चलो बढ़िया, 165 किलोमीटर है, 180 बने 165 पड़ेगा फोन लाइन से बोल रहे। ओके ओके सर भाई, थैंक यू भैया। ओके भाई देखो दोस्तों कैसे पानी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, राइड कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं भाई। तो सब्सक्राइब तो यार फ्री वाला है यार, फ्री में कर दो यार। फुल पार कर दिया मैं, फुल यार सब्सक्राइब कर दो यार भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार। धन्यवाद धन्यवाद भैया, जिन दिन ने सब्सक्राइब कर दिया उनको धन्यवाद, जिन जिन ने लाइक कर दिया उनको और धन्यवाद, और जिनने शेयर कर दिया ना उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद भाई। और कमेंट में लिख देना शेयर, ये देखो भैया की पूरी बाटलें गिर गई हैं।